मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, टॉपिक है राज्य। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में राज्य के स्वरूप और उसके संबंध में विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया, जिसमें हमने राज्य की अवधारणाओं का अध्ययन करते हुए मार्क्सवादी अवधारणा, उदारवादी अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और समझौतावादी विचारकों के माध्यम से राज्य के स्वरूप और साथ ही साथ प्राचीन जो अवधारणा है उसका अध्ययन किया। आज हम राज्य के तत्वों का अध्ययन करेंगे कि राज्य किन तत्वों से मिलकर बनता है। पूर्व कक्षाओं में विभिन्न विद्वानों ने राज्य की जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं का उनकी व्याख्या करते हुए हमने पूर्व में भी राज्य के तत्वों की चर्चा की, लेकिन आज पृथक से राजनीति विज्ञान में अधिकृत तौर पर राज्य के कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस संबंध में जब हम राज्य के तत्वों की हम बात करते हैं, तो विभिन्न तत्वों में जो पहला तत्व प्रमुखता से स्वीकार किया गया है वो है जनसंख्या, जन समुदाय। जनसंख्या या जन समुदाय किसी भी राज्य के लिए पहली मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता है। बिना जन समूह के कोई भी जगह, कोई भी आकार राज्य नहीं बन सकता। और जनसंख्या के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत, अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस संबंध में कोई निश्चित पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं विभिन्न विद्वानों के माध्यम से, तो प्लेटो पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य की जनसंख्या के संबंध में अपनी व्याख्या दी है। प्लेटो ये कहते हैं कि एक आदर्श राज्य के लिए 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। अब ये 5040 की जनसंख्या के पीछे प्लेटो की अपनी एक अवधारणा रही है, और ये प्राचीन नगर राज्यों के संबंध में ये व्याख्या प्लेटो की है, क्योंकि यूनान के प्राचीन जो नगर राज्यों के संबंध में ही हम प्लेटो के चिंतन को देखते हैं, और नगर राज्यों की जनसंख्या 5040 के आसपास प्लेटो की नजरों में आदर्श जनसंख्या है। प्लेटो के शिष्य ने ही उनके ठीक बाद आदर्श राज्य की जनसंख्या के संबंध में ये कहा कि राज्य की जनसंख्या न तो अत्यधिक होनी चाहिए और न ही अत्यधिक कम होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने के लिए संभव हो। तो यहां प्लेटो का शिष्य अरस्तु एक मध्यम मार्ग अपना रहा है, और वो कोई निश्चित संख्या का तो निश्चित नहीं करते हैं कि राज्य की संख्या इतनी होनी चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि न तो जनसंख्या कम हो और न वो ज्यादा हो। यानी आपके पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम भी नहीं होनी चाहिए कि संसाधनों का उपभोग ही नहीं हो पाए, और इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास संसाधन कम पड़ जाए। तो एक शक्तिशाली आदर्श राज्य के लिए, अच्छे राज्य के लिए जरूरी बनने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या इतनी हो जो आपके पास संसाधन है उन संसाधनों का ठीक से उपभोग कर पाए और आपके संसाधन कम ना पड़े। ये व्याख्या जो है जनसंख्या के संबंध में अरस्तु देते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि रूसो ने भी इस संबंध में विचार प्रकट किए हैं, और रूसो ने राज्य की जनसंख्या के संबंध में कहा है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राज्य की जनसंख्या के बारे में अपनी थ्योरीज दे दी है, लेकिन यहां रूसो अरस्तु की बात ही हमें ठीक लगती है
कि आपकी जो आपका जो भूभाग है और उस भूभाग पर जो आपके संसाधन है उसके अनुपात में ही जनसंख्या होगी तो आपका राज्य जो है शक्तिशाली बनेगा, आपका राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और ऐसा राज्य आदर्श राज्य बन सकता है। तो इस संबंध में ये जरूरी है कि किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या होना जरूरी है, जनसमुदाय होना जरूरी है। जब हम तत्वों की बात करते हैं, राज्य के तत्वों की बात करते हैं, राज्य के तत्वों में दूसरा जो जरूरी तत्व है वो है भूभाग, भूमंडल। यानी आप जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं वो जनसंख्या किस भूभाग पर रहती है, वो एक निश्चित जो भूभाग है, क्योंकि आप मर्जी आ जहां तो रह नहीं सकते। तो एक राज्य के लिए जनसंख्या के साथ साथ दूसरा जो तत्व है वो है निश्चित भूभाग। और निश्चित भूभाग पर जल हो, जमीन हो, जंगल हो, आकाश हो, ये निश्चित भूभाग के में ही समाहित है कि जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पर रहती हो जिसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। पर्याप्त संसाधन में जल, जंगल, अन्न, ये सब उसमें समाहित है और आकाश और जमीन, क्योंकि इससे बाद में जब हम संप्रभुता की बात करेंगे तो वो संप्रभुता आकाश और जमीन की सीमाओं तक भी पहुंचती है। तो दूसरा जो तत्व है जरूरी वो है भूभाग। भूभाग के संबंध में रूसो ने एक अपनी व्याख्या दी है कि कौन से कितने भूभाग के लिए किस प्रकार की शासन प्रणाली श्रेष्ठ रहेगी, तो इसका भी जिक्र हमको यहां करना चाहिए। रूसो अपने चिंतन में ये बात कर रहे हैं कि जहां छोटा भूभाग है वहां लोकतंत्र अच्छी शासन प्रणाली हो सकती है, और जहां मध्यम भूभाग है, मध्यम का मतलब न ज्यादा बहुत छोटा न बहुत ज्यादा बड़ा आकार अगर है, तो वहां कुलीन तंत्र वाली शासन प्रणाली अच्छी हो सकती है। और जहां विशाल भूभाग है अथा सीमा है राज्य की, तो वहां अधिनायक तंत्र अच्छी शासन प्रणाली हो सकती है। ये रूसो का चिंतन है, हम ये यहां ये नहीं कह रहे कि रूसो ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से अपने चिंतन से इस बात को इंगित किया है कि छोटे भूभाग वाले राज्यों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी रहती है, मध्यम आकार वाले राज्यों में कुलीन तंत्रीय शासन प्रणाली अच्छी रहती है, और विशाल भूभाग वाले राज्यों में अधिनायक तंत्र अच्छा शासन प्रणाली हो सकती है। तो ये रूसो का चिंतन है, हम यहां इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन है। लेकिन रूसो के चिंतन से मॉन्टेस्क्यू और टॉकविले जैसे राजनीतिक शास्त्री सहमत है और उन्होंने रूसो के चिंतन का समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर ये एक अलग बहस है, लेकिन हम यहां राज्यों के तत्वों की बात कर रहे हैं। तो राज्य के तत्वों में दूसरा जो तत्व है जरूरी कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी आपके पास जनसंख्या हो, जनसमूह हो, और वो जनसंख्या या वो जनसमूह एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, दूसरा तत्व हो गया। राज्य के जब तत्वों की बात करते हैं तो तीसरा तत्व जो होता है वो सरकार। सरकार बेहद जरूरी तत्व है राज्य के लिए, क्योंकि जनसंख्या और निश्चित भूभाग पर शासन करने के लिए जब तक सरकार नहीं होगी, जब तक वो आपका जनसंख्या वो निश्चित भूभाग जो है राज्य नहीं बन सकता। वो एक भीड़ हो सकती है, वो एक बिना शासन वाला भूखंड हो सकता है। तो इसलिए तीसरा तत्व है सरकार। अब सरकार के रूप अलग अलग हो सकते हैं कि राज्यों में कौन कौन सी प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं, तो विभिन्न रूप जो है सरकारों के हो सकते हैं। इसमें रूपों के मामले में जो है निर्भर करता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध क्या है। तो इस आधार पर राज्य और व्यक्ति के संबंधों के आधार पर लोकतांत्रिक और अधिनायक वादी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। संघ और राज्य के बीच के संबंध कैसे हैं, इस आधार पर सरकार के दो रूप निकलते हैं, संघात्मक और एकात्मक। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध कैसे हैं, इस आधार पर सरकार के रूप हो सकते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक। और कार्यपालिका प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है, तो इस आधार पर शासन का रूप तय होता है कि वो गणतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शासन के 6-7 प्रकार के रूप हैं, लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय शासन और राजतंत्रात्मक शासन। तो इन रूपों में से किसी भी प्रकार का रूप जो है
वो शासन का हो सकता है, लेकिन कोई सा भी रूप हो राज्य के लिए शासन का होना बहुत ही जरूरी है, सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये तीसरा तत्व हो गया। लेकिन अभी भी एक तत्व है जो राज्य के लिए बेहद जरूरी है, और जब तक वो नहीं है, जब तक हम किसी भूभाग को, उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को, भले ही उस जनसंख्या को अनुशासित करने के लिए सरकार काम कर रही हो, लेकिन अगर वो तत्व नहीं है तो फिर राजनीतिक शास्त्र के अनुसार वो भूभाग, वो जनसंख्या, वो सरकार जो है राज्य नहीं हो सकती। और वो तत्व है प्रभु सत्ता, सॉवरेनिटी। ये एक ऐसा तत्व है जो निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या और उस जनसंख्या को अनुशासित करने वाली सरकार, इसको परम सत्ता प्रदान करता है कि वो अपने इस निश्चित भूभाग और इस भूभाग पर रहने वाले निवासियों पर शासन करने के लिए असीम शक्ति रखती है, और इस भूभाग और इस भूभाग पर रहने वाले जनसंख्या की सुरक्षा, भलाई और कल्याण के लिए अपने भूभाग की सीमाओं से भी बाहर जाकर वो किसी से आदेश प्राप्त नहीं कर सकती, किसी से निर्देश प्राप्त नहीं कर सकती, किसी और के निर्देश और आदेशों के अनुसार अनुशासित नहीं हो सकती। तो ये जो संप्रभुता है, ये राज्य को एक तरह से एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है, राज्य की सरकार को एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में एब्सोल्युटली सौरन है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने मामलों के हमें निर्णय लेने वाले हम खुद हैं, हमें हमारे मामलों में दखलंदाजी देने या निर्देश देने या सलाह देने का काम कोई बाहर की ताकत नहीं कर सकती। तो इसको बोलते हैं प्रभु सत्ता। और ये प्रभु सत्ता जो है, यही एक ऐसा तत्व है जो जनसंख्या, भूभाग और सरकार को एक जो है वास्तविकता प्रदान करता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप इसको समझें कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या भी थी, यहां लोग, भारतीय लोग निवास करते थे, एक भूभाग भी था, कश्मीर से कन्याकुमारी और उस समय जो भी सीमाएं थी वो हमारे पास में भूभाग भी था, और एक सरकार भी काम कर रही थी यहां पर, तीन तत्व थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक राज्य नहीं था, भारत उपनिवेश था। उपनिवेश किसका था? अंग्रेजों का था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत की आजादी की घोषणा होती है और ब्रिटेन का शासन भारत से समाप्त होता है, तो भारत एक राज्य बन जाता है। राज्य क्यों बन जाता है? क्योंकि अब तक हमारे पास जो तीन तत्व थे उसमें एक चौथा तत्व भी जुड़ गया है। हमारे पास में आजादी से पहले तीन तत्व कौन कौन से थे? हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास भूभाग था, हमारे पास सरकार थी। लेकिन चौथा तत्व जुड़ा, उस सरकार को अब संप्रभुता मिल गई है, वो अब ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के महाराजा या ब्रिटेन की पार्लियामेंट से निर्देश प्राप्त नहीं करेगी। अब भारत की सरकार अपने निजी मामलों में और अपने बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय लेगी, अपने संसाधनों के आधार पर निर्णय लेगी, अपने लोगों की भलाई के आधार पर निर्णय लेगी, अपने विवेक से निर्णय लेगी। तो ये जो संप्रभुता का तत्व जुड़ा, इसने भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये चार तत्व जो है वो राज्य के लिए, किसी भी भूभाग को, जनसंख्या को राज्य बनाने के लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन से, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जनसंख्या, भूभाग, जमीन, सरकार और प्रभुसत्ता। कि कुछ लोग होने चाहिए, वो लोग, उन लोगों के रहने के लिए भूभाग हो, संसाधन हो, और उस भूभाग और उस जनसंख्या को शासित करने के लिए सरकार हो, सरकार का रूप कोई भी हो सकता है, और वो सरकार जो है संप्रभु हो, स्वतंत्र हो, अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से ले सकती हो, बाहर की शक्तियों से निर्देश प्राप्त नहीं करती हो। तो इन चार, ये चार तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं, तो एक साथ मिलते ही वो भूमि, वो जनसंख्या, वो सरकार जो है राज्य का रूप प्राप्त
कर लेती है, हम उसको राज्य कह सकते हैं। तो आज ये पूरी बहस में, इस पूरे चिंतन में, व्याख्यान में हमने ये जाना कि राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, राज्य बनने के लिए प्राथमिक तौर पर किन किन तत्वों का होना जरूरी है। आज की कक्षा में इतना ही, अन्य बिंदुओं का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।